दोस्तों मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म RRR, पुष्पा और KGF चैप्टर 2 के लिए दर्शकों ने अभी से ही अपनी जबरदस्त एक्साइटमेंट और क्रेज दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि बॉक्स ऑफिस की बेहद यादगार फिल्में साबित होने वाली हैं। भाई इसीलिए तो इन अपकमिंग फिल्मों ने बॉलीवुड की भी अपकमिंग फिल्मों की एक्साइटमेंट धुंधली और फीकी कर दी है, जिन्हें काफी बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि इन तीनों ही अपकमिंग फिल्मों में से किस फिल्म का बजट सबसे ज्यादा हाईफाई है, ये फिल्में कब तक रिलीज होंगी और इन तीनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म बड़े पर्दे पर सबसे ज्यादा तहलका मचाती हुई नजर आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे मजेदार सवालों के जवाब देंगे, वो भी इन तीनों ही फिल्मों के बीच में कंपैरिजन करके, जिसके बारे में आप जानेंगे कि कलेक्शन कैसा होगा और दर्शकों की एक्साइटमेंट के साथ साथ बजट के मामले में इन तीनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म है टॉप पर। तो देर न करते हुए चलिए जान लेते हैं इन्हीं मजेदार सवालों के शानदार जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं RRR फिल्म के बारे में, जो कि MS राजामौली के डायरेक्शन तले बन रही है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। फिल्म में हमें बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री आलिया भट्ट और दिग्गज अभिनेता अजय देवगन अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म में मुख्य अभिनेता के तौर पर रामचरण और जूनियर NTR भी देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ इन दोनों ही कलाकारों का आपको एक अलग ही अंदाज देखने को मिलने वाला है, जिनकी इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी के साथ साथ मलयालम भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाएगा, जिसकी रिलीजिंग डेट 13 अक्टूबर 2021 बताई जा रही है। जब से फिल्म की रिलीजिंग डेट कंफर्म की गई है, बस दोस्तों तभी से दर्शक इस फिल्म के लिए अपनी जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, जिनकी इस एक्साइटमेंट और क्रेज से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म अपने पहले ही दिन करीब 150 करोड़ से 250 करोड़ रुपए तक का शानदार कलेक्शन कर सकती है, जो कि बाहुबली फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब बात करें KGF चैप्टर 2 फिल्म के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ये फिल्म पिछले काफी दिनों से दर्शकों के बीच में चर्चाओं का हिस्सा बनी हुई है। प्रशांत नील के डायरेक्शन तले बन रही ये फिल्म एक हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें रॉकिंग स्टार यश के साथ साथ अधीरा के खूंखार खलनायक के किरदार में संजय दत्त और राजनेता के तौर पर रवीना टंडन भी दिखाई देने वाली है। इस फिल्म को भी 5 अलग अलग भाषाओं में डब किया जाएगा, जिसे करीब 100 से 150 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया जा रहा है, जो कि आपको बता दें कि 16 जुलाई 2021 को पर्दे पर रिलीज की जाने वाली है। वह बात की जाए फिल्म के लिए दर्शकों की एक्साइटमेंट के बारे में, तो शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो कि KGF चैप्टर 2 फिल्म का बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहा होगा, जिनका ये क्रेज हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो साफ साफ और खूब ज्यादा देखने को भी मिलता रहता है। इसलिए तो दर्शकों ने अभी से ही ये कयास लगाने शुरू कर दिए हैं कि ये फिल्म शायद से ओपनिंग डे पर ही 200 करोड़ रुपए तक रिकॉर्ड पार कर देगी। वेल, आखिर में अब बात कर लेते हैं अल्लू अर्जुन स्टार और फिल्म पुष्पा के बारे में। तो आपको बता दें दोस्तों कि ये फिल्म सुकुमार के डायरेक्शन तले बनाई जा रही एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। साथ ही साथ फिल्म में और भी कई दिग्गज और शानदार कलाकार अपने बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन से फिल्म को मजेदार और ज्यादा स्पाइसी बनाने वाले हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस फिल्म को करीब 180 करोड़ रुपए के बजट तले तैयार किया जा रहा है, जो कि KGF 2 और साथ ही RRR की तरह ही 5 भाषाओं में डब किए जाने वाली एक फिल्म होने वाली है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि फिल्म की रिलीजिंग डेट भी कंफर्म कर दी गई है, जो कि 13 अगस्त 2021 को पर्दे पर रिलीज की जाएगी, जिसके लिए दर्शकों के बीच अभी से ही अपनी जबरदस्त एक्साइटमेंट साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि फिल्म का इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं कि बस लगता है कि फिल्म अपने पहले ही दिन 100 से 120 करोड़ की ओपनिंग पार कर देगी। वेल, KGF चैप्टर 2, RRR और पुष्पा, इन तीनों ही फिल्मों के बारे में जानकर आप तो ये साफ अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इन दिनों दर्शकों के बीच में जिस फिल्म का सबसे ज्यादा क्रेज और एक्साइटमेंट बना हुआ है, वो फिल्म है KGF चैप्टर 2, जो कि पिछले 2 सालों से दर्शकों के बीच में खूब छाई हुई है और इसीलिए ये भी कयास लगाए जाने भी शुरू कर दिए गए हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर यादगार और सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म साबित होगी। तो दोस्तों इन तीनों ही बड़ी बजट फिल्म की अपकमिंग फिल्मों में से आप किस फिल्म का बेसब्री से एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर रहे हैं, आप हमें उस फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।